उदाहरण 10, कॉस की घात 2x धन कॉस एक्स बराबर साइन की घात 2x को हल कीजिए, जहां शून्य अंश छोटा है या बराबर है x से, या x का मान छोटा है या बराबर है 90 अंश से। हल, कॉस की घात 2x धन कॉस एक्स बराबर साइन की घात 2 साइन की घात 2x, या कॉस की घात 2x धन कॉस एक्स बराबर कॉस की घात 2x को हम लिख सकते हैं 1 ऋण साइन की घात 2x को हम लिख सकते हैं 1 ऋण कॉस की घात 2x, या हम यहाँ पे 1 ऋण कॉस की घात 2x का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कॉस की घात 2x, और ऋण कॉस की घात 2x का पक्षांतर करेंगे तो धन कॉस की घात 2x धन कॉस एक्स ऋण 1 बराबर 0। या 2 कॉस की घात 2x धन कॉस एक्स ऋण 1 बराबर 0। या यहाँ पे हम मध्य पद का गुणनखंड करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 कॉस की घात 2x धन कॉस एक्स को हम लिखेंगे 2 कॉस एक्स ऋण कॉस एक्स ऋण 1 बराबर 0। ऋण 1 का ऋण 1 आ गया, हमने कॉस एक्स को लिखा है 2 कॉस एक्स ऋण एक्स, क्योंकि हमें इसका गुणनखंड प्राप्त करना है। अब हम पहले दो पदों से उभयनिष्ठ कॉस एक्स को निकाल लेंगे, कॉस एक्स तो हमें कोष्टक के अंदर प्राप्त होगा 2 कॉस एक्स धन, यहाँ पे हम 2 कॉस एक्स को उभयनिष्ठ निकालेंगे, 2 कॉस एक्स को तो कोष्टक के अंदर हमें कॉस एक्स धन 1 प्राप्त होगा, और ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकालेंगे दोनों अंतिम के दो पदों में तो कॉस एक्स धन 1 प्राप्त होगा बराबर 0। या दो कॉस एक्स ऋण 1 पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में उभयनिष्ठ जो है कॉस एक्स धन 1 कोष्टक में बराबर 0। अब या तो 2 कॉस एक्स ऋण 1 बराबर 0 होगा, तब ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे और उसके बाद 2 का पक्षांतर करेंगे तो कॉस एक्स का मान हमें प्राप्त होगा 1 बटा 2। अब हम ऋण 1 का पक्षांतर किए तो 1 आया, और फिर 2 का पक्षांतर किए तो कॉस एक्स का मान 1 बटा 2 प्राप्त हुआ। अब सारणी में हम देखते हैं कि कॉस का मान 1 बटा 2 कब प्राप्त होता है हमें, 60 अंश पर, तो हम यह कह सकते हैं कि x बराबर 60 अंश, x का मान 1 बटा 2 60 अंश में प्राप्त होता है तो x बराबर 60 अंश। आगे देखते हैं, तथा हमने देखा था कि गुणनखंड निकाला था तो दूसरा जो कोष्टक में था कॉस एक्स धन 1 कोष्टक बंद बराबर 0 मिल रहा था हमें, या कॉस एक्स धन 1 बराबर 0, या हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स बराबर धन 1 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1, क्योंकि
शून्य अंश छोटा है या बराबर है x से, और x का मान छोटा है या बराबर है 90 अंश से के लिए ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पे x का मान जो है cos में ऋण ऋण ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम लिखे कि क्योंकि शून्य अंश छोटा है या बराबर है x से, और x का मान छोटा है या बराबर है 90 अंश के लिए ऋणात्मक नहीं होता है, अतः हम cos x बराबर ऋण एक को छोड़ देते हैं। इसलिए समीकरण का हल x बराबर 60 अंश है। तो दिए गए समीकरण में x का मान x बराबर 60 अंश होगा, यही समीकरण का हल है।